एक कूली जो फ्री वाईफाई से बना आईएएस अधिकारी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पाने और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हापुड़ हलचल। खास और दमदार खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको मिलती रहे इसी तरह की कुछ खास और दमदार खबरें सबसे पहले। कौन कहता है कि कामयाबी सिर्फ किस्मत तय करती है, अगर दम हो इरादों में तो मंजिलें खुद ब खुद झुका करती है। कुछ ऐसे ही मजबूत इरादे थे एर्नाकुलम स्टेशन पर कुली का काम करने वाले इस युवा के, जिसने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी किस्मत खुद लिख डाली और यूपीएससी के एग्जाम में सफलता हासिल की। कुछ साल पहले तक कुली का काम करने वाला ये शख्स आईएएस ऑफिसर बनकर दुनिया में सफलता की नई मिसाल कायम कर चुका है। अक्सर आपने लोगों को कामयाबी न मिलने पर कई तरह की शिकायतें करते देखा होगा, जिसमें ज्यादातर लोग संस्थानों की कमी को खुद के कामयाब न होने की वजह बताते हैं। उनका मानना होता है कि अगर उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती तो वो जीवन में कुछ बेहतर कर सकते थे, लेकिन श्रीनाथ को कभी इस बात से कोई शिकायत नहीं रही। उन्होंने आपदा को अवसर में बदलकर एक नया मुकाम हासिल कर लिया। उन्होंने कभी संसाधनों की कमी को अपनी कामयाबी के रास्ते में रोड़ा नहीं बनने दिया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की इस परीक्षा को पास करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाते हैं। इसके लिए वे कई कई वर्षों तक बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में लाखों रुपए खर्च करके तैयारी करते हैं, लेकिन मूल रूप से केरल के रहने वाले श्रीनाथ ने रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करते हुए बिना किसी कोचिंग की मदद के न केवल यूपीएससी में कामयाबी हासिल की है, बल्कि इससे पहले आपको बता दें कि वो केरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में भी अपने नाम का परचम लहरा चुकी है। श्रीनाथ कोचिंग सेंटर की फीस नहीं दे सकते थे और उनके मन में यही बात थी कि बिना कोचिंग सेंटर के वह इस कठिन परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। यही वजह रही कि उन्होंने केपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी। उनके इस कठिन राह को रेलवे स्टेशन पर लगे फ्री वाईफाई ने आसान बना दिया। उन्होंने इसी वाईफाई से अपने स्मार्टफोन पर पढ़ाई शुरू कर दी। ये फ्री वाईफाई उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। वह यहाँ कुली का काम करते और समय मिलते ही ऑनलाइन लेक्चर सुनने लगते। अपनी इस लगन और मेहनत के दम पर श्रीनाथ ने केपीएससी में सफलता हासिल कर ली। यहाँ से उनके मन में ये विश्वास आ गया कि वह इसी तरह फ्री वाईफाई की मदद से यूपीएससी की परीक्षा भी पास कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखा दिया। तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने पर कुली श्रीनाथ को बधाई देते हुए ट्वीट किया था। गोयल ने लिखा, रेलवे के निशुल्क वाईफाई से केरल में कुली का कार्य करने वाले श्रीनाथ के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। स्टेशन पर उपलब्ध वाईफाई के उपयोग से उन्होंने तैयारी कर प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। मैं उनकी सफलता पर उन्हें बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहरहाल, आपका क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल हापुड़ हलचल।